है, उनके जो रिक्विजिशन बनाने का काम है और जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ करने का काम है वो भी लगभग पूरा कर लिया गया है, तो ये हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो कैडर पोस्ट है उनके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को भी डायरेक्शंस दे दी गई है और वो भी लगभग 800 से 900 के करीब पोस्ट ऐसी होंगी जो कि वैकेंसीज जो है उन्होंने वर्कआउट की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो ले और कारगिल में अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज की जाएगी। उसके साथ ही साथ में पुलिस की जो है लद्दाख पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बन चुका है और उसमें लगभग 213 पोस्ट की जो है नोटिफिकेशन हो गई है और उसमें जो है उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जो कि एप्लीकेशन इन्वाइट करने के लिए उनको भी अप्रूव कर दिया गया, तो उसमें भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के भी कुछ पोस्ट हैं जिनके जो जिसकी की एडवर्टीजमेंट हो चुकी है और उस पर भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पर इस दौरान भी जो है रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं था कि यहाँ पर रुका हुआ था। लद्दाख में 604 जो है जो लोग हैं वो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है भरे हैं, उसके अलावा 613 लोग जो है रेगुलर भरे हैं। 613 वैकेंसीज पर रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई है ले और करगिल में जो पुरानी एडवर्टीजमेंट्स थी और उनको फाइनलाइज करके उन पर रिक्रूटमेंट कंप्लीट की गई है और जो 604 के करीब जो लोग हैं उनको कंट्रेक्चुअल जो है पोस्टों पे चाहे जेईज हैं नर्सेज हैं ऑफिसर असिस्टेंट हैं लॉ ऑफिसर्स हैं इनको लगाया गया है। एक बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों में चलता है कि ये शायद रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट है, तो ये मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो लोग लगे हुए हैं ये रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट नहीं होते हैं, रेगुलर वैकेंसी पे हमारा उसका कोई असर नहीं होता है, ये एक तरह से इन एडिशनल होते हैं। तो जब तक चूंकि हम रेगुलर वैकेंसी रेफर करके और उस पर एडवर्टीजमेंट ना शुरू करते हैं तब तक जो है हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम उसको एडिशनल जो है पोस्ट को एडवर्टाइज करके और उस पर हम लोगों को लेते हैं, तो उस तरह से ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी चलता रहे और लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ है और ये प्रॉब्लम क्या रही है कि अभी तक इसकी होलिस्टिक जो है असेसमेंट कभी नहीं की गई, होलिस्टिक प्लानिंग नहीं की गई और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमने 24/7 वाटर सप्लाई दोनों टाउन्स में देने के लिए प्लान शुरू कर दिया। इसके लिए हमने जो है एक RFP बना ली है जो कि हम हमारे कंसल्टेंट हायर करके इसको जो है 24/7 जो है पानी सप्लाई हर घर में होगी, इसके लिए एक कंसल्टेंट हायर करेंगे और इस RFP को जो हमारी CPHEO है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको वेटिंग के लिए भेजा गया था, वहाँ से वेटिंग होके आ गया। बहुत ही जल्द कंसल्टेंट्स जो है इन प्लेस होंगे और ये DPR बनने के बाद इस पर काम शुरू होगा। जब तक हम इसको होलिस्टिकली नहीं लेंगे तो इतने ठंड के रीजन में जो है वो पूरी तरह से पानी चला पाना संभव नहीं होगा। और ट्रायल के मोड पे पायलट मोड पे हम आपको पता है कि गंगलेश में इसको चलाया गया है और बहुत सक्सेसफुली वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है जा गई है और साथ ही नए लैब्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायतों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया गया है, हर गांव में जो है कमेटीज़ बनाई गई हैं और महिलाओं को भी इन्वॉल्व करके उनको टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी गई है, जो खुद उनको फील्ड टेस्टिंग किट प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो पानी के टेस्टिंग अपने लोकल लेवल पे कर सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि लद्दाख जो है कंट्री में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट्स है जहाँ पर जो हमारे टारगेट्स हैं टेस्टिंग के वो लगभग हम पूरे कर रहे हैं, हर गाँव हर कस्बे में जो है हम पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं और ये इसकी जो डिटेल्स है डेटा है जो रिन्यूमेंट आपके लिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन अभी जो हमने अभी हमने बताई है फिगर आपको ये लगभग अभी तो इमिडिएटली तैयार है, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि इम्प्लॉयज़ की हमने एक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं उनकी प्रमोशंस कर रहे हैं, तो जब प्रमोशन होगी तो फिर से पोस्टें वैकेंट हो जाएंगी, तो वो काफ़ी पोस्टें फिर से जो है निकल आएगी आने वाले 6 महीने और 7 महीने के बाद, तो वो फिर से आएंगी, तो इस तरह से एक लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। सर ये रिक्रूटमेंट रूल्स और रेजिडेंस सर्टिफिकेट रिसेंटली इशू हुआ तो इतना देर क्यों लगा लोगों का ये देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय से ये जो है इशूड है और उसमें बहुत सी करेक्शंस की गई हैं,
और उन करेक्शंस का इनकॉर्पोरेशन करके उसको अपडेट करके इशू करना और उसको पूरा फाइनेंशियली और टेक्निकली वेट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज उसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज़ में बहुत सा जो है ये लीगल इशूज़ बन जाते हैं, फिर लोग कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बचाने के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करके उसको क्लियर करना था, और उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई गई थी, और उस एम्पावर्ड कमेटी के थ्रू अप्रूव होकर के सारे भी रिक्रूटमेंट सभी के सभी अब तैयार है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत सारे वर्कलोड पर स्पेशली सेक्रेट में, तो उनका कोई वर्क पीरियड होता है कि इतने बजे से इतने टाइम करने की कोई लिमिट नहीं होता है, जहाँ से सुबह से लेके रात देर बजे तक काम करें? देखिए, एक जो है ये सरकार में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं, ठीक है, जब हम पहले दिन ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि कभी जो है हमें देर तक भी काम करना पड़ता है, पर इससे किसी एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी स्वेच्छा से काम करते हैं, और वर्क टाइमिंग जो है ऑलरेडी नोटिफाइड है। लेकिन जब कभी ऐसी होती है, जब VIP विजिट्स होती हैं, पार्लियामेंट सेशन जो होता है, बहुत से क्वेश्चंस जो है पब्लिक इम्पोर्टेंस को उठाए जाते हैं, तो चूंकि सरकार जो है वो एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सी बार जो है हम ऐसा नहीं कह सकते कि सैटरडे को काम नहीं करेंगे या संडे को काम नहीं करेंगे, हमें काम करना होता है। तो वो उसमें जो है किसी को कोई सी तरह की दिक्कत है, उसके लिए रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं। भी उसमें काम बाकी हो, कनेक्शन हमने कर दिया लेकिन अभी उसमें और भी सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो लगानी बाकी हो, वो लगा दी जाएंगी। लेकिन ये जो है तभी इस स्कीम की सक्सेस होगी जब सर्दियों में भी हम पानी दे पाएंगे। हम लोग ये इस साल विंटर्स में इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इसके लिए एक टेक्नो मैनेजेरियल कमेटी बना दी गई है जो इसकी टेक्नो मैनेजेरियल असेसमेंट करेगी और देखेगी कि कहाँ पर और क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये इस बार जो हमने किया है, ये एक तरह से हमारा अपना जो है जो लोकल नॉलेज है उसको लेकर के एक प्रयोग था, और उसमें जो कोई कमी रह जाएगी उसको आने वाले समय में भी उसको सुधार लिया जाएगा। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, और मैं कहूँगा कि लोगों का जो सहयोग मिला है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिली है, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब उन्होंने इसको अपने हाथों में लिया है और इसको आगे बढ़ाया, तो उसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल हम इस स्कीम को 100% सैचुरेट कर पाएंगे और हर घर में जो है पानी हम पहुँचा पाएंगे। फ्रेश रिक्रूटमेंट में जब वो करेंगे, वो अप्लाई करेंगे और जिनकी सिलेक्शन होगी वो रेगुलर रिक्रूट में आ जाएंगे। तो इससे पहले फिर जो आउटसोर्सिंग या तो लोगों में काफी सारे एक इश्यूज आया था कि आउटसोर्सिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर कहीं किसी तरह का किसी को भी संदेह है तो वो उसको जो है RTI है उसमें जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। बल्कि हमने प्लान किया है कि उस आउटसोर्सिंग से रिलेटेड जितने कागज है उनको भी हम वेबसाइट पर लोड कर देंगे ताकि एवरीबॉडी कैन सी इट। इट्स अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सर, रिसेंटली जो वेरियस